इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल टीमों के मालिक पिछले कुछ सालों से खिलाड़ियों की एक हरकत से काफ़ी परेशान थे। इसके लिए उन्होंने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से शिकायत भी की थी। दरअसल कई खिलाड़ी ऑक्शन में बिक कर टूर्नामेंट में सेलेक्ट होने के बाद अपना नाम वापस ले लेते थे। ऐसे मामले ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ियों को लेकर देखने को मिलते थे। सबसे ज़्यादा मामले इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में देखने को मिले थे, जब T20 वर्ल्ड कप के कारण कई खिलाड़ी वापस अपने देश लौट गए थे। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस समस्या की सुनवाई की है। बोर्ड ने IPL 2025 से पहले कुछ सख्त नियम लाकर ऐसे मामलों पर रोकथाम लगाने और शिकंजा कसने की कोशिश की है। IPL 2025 के नियमों को लेकर सभी फ्रेंचाइजी समेत फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। IPL की गवर्निंग काउंसिल ने शनिवार 28 सितंबर को बैंगलोर में मीटिंग कर नए नियमों पर मुहर लगा दी। गवर्निंग काउंसिल ने मेगा ऑक्शन के लिए प्लेयर्स रिटेंशन, ऑक्शन पर्स समेत कई नियमों को जारी कर दिया है। इस दौरान एक सख्त फैसला भी लिया गया है। नए नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और चुने जाने के बाद सीजन से शुरू होने से पहले अपना नाम वापस ले लेता है तो उस पर 2 सालों का बैन लगा दिया जाएगा। वो 2 साल तक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा, साथ ही प्लेयर ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं कर सकेगा। IPL की गवर्निंग काउंसिल विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक और खास नियम लेकर आई है। काउंसिल ने कहा कि अब से विदेशी खिलाड़ियों को प्लेयर ऑक्शन में आने के लिए पहले मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले सीजन में प्लेयर ऑक्शन के लिए योग्य नहीं होंगे। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए रिटेंशन पॉलिसी पर सबकी नज़र थी, जिसका खुलासा हो चुका है। मेगा ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों को अपने मौजूदा स्क्वाड से कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें राइट टू मैच, कैप्ड प्लेयर कैटेगरी, अनकैप्ड प्लेयर कैटेगरी के साथ भारतीय और विदेशी खिलाड़ी जैसे कई तरह के दिलचस्प विकल्प दिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह फ्रेंचाइजी पर पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो खिलाड़ी किस तरह से रिटेन करना चाहती है। इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन इसे 2027 के लिए बरकरार रखा गया है। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 में अनकैप्ड प्लेयर का नियम फिर से लौट आया है, जिसके तहत चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करना चाह रही थी। इसे साल 2021 में खत्म कर दिया गया था। दूसरी तरफ ऑक्शन पर्स को 100 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं कुल सैलरी कैप अब 110 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं इसके अलावा पहली बार मैच फीस की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी साथ ही इंपैक्ट प्लेयर को एक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।